ओके सो आई एम ऑल सेट। गर्मियों की छुट्टी आते ही हम वाटर पार्क या रिसोर्ट का प्लान बनाते ही है, तो आज मैं आई हूँ मुंबई के बेस्ट वाटर पार्क और रिसोर्ट में, जो है शैंग्रीला रिसोर्ट। मैं ये जगह का कंप्लीट टूर देने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ के रूम कैसे हैं, यहाँ का वाटर पार्क कैसा है, हाँ यहाँ पे मसाज और स्पा भी होता है, एंड यहाँ का लॉन कैसा है, और हाँ यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शैंग्रीला रिसोर्ट और वाटर पार्क कैसा है। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द रूम टूर। इनके पास 8 अलग अलग टाइप के रूम्स हैं और सारे के सारे एसी वाले रूम्स हैं। तो पहले मैं ये बेसिक वाले रूम से स्टार्ट करूंगी, जो है एसी डिलक्स रूम। सो लेट्स चेक आउट। जिसमें आपको मिलेगा ये बड़ा सा किंग साइज बेड, साइड टेबल्स, वार्डरोब्स, और हाँ बाथरूम भी काफी साफ और स्पेशियस है। नेक्स्ट है ये एक्सक्लूसिव डिलक्स रूम, लेट्स चेक आउट। नाउ दिस एक्सक्लूसिव रूम और इससे पहले जो डिलक्स रूम था, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ये अंदर के रूम के इंटीरियर का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है ये फैमिली रूम, और ये फैमिली रूम उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े ग्रुप या बड़े बड़े फैमिली के साथ आते हैं। कम लेट्स चेक आउट। ये बड़े से रूम में 8 सिंगल बेड लगे हुए हैं, साथ में ये टीवी और ये डाइनिंग एरिया है, और हाँ ऊपर ये यहाँ स्टोरेज दिया गया है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। नाउ दिस इज स्वीट रूम, और स्वीट में भी दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल स्वीट है और एक एक्सक्लूसिव स्वीट है, बट ये एक नॉर्मल स्वीट वाला रूम है। सो लेट्स चेक। और ये स्वीट रूम कुछ ऐसा दिखता है। ये रूम में आपको मिलेगा एकदम सॉफ्ट सा किंग साइज बेड, साइड टेबल्स, सोफा सिटिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, वाईफाई एंड ऑल द अदर एमिनिटीज विद अमेजिंग इंटीरियर्स डन, एंड द स्पेस इज रियली गुड। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव स्वीट रूम। अब ये रूम ना बिल्कुल स्वीट रूम जैसा ही है, एक्सक्लूसिव इसीलिए है क्योंकि ये रूम में एक्सक्लूसिव बाथटब है, बाकी सारी एमिनिटीज सेम है। अब नेक्स्ट है ये रॉयल प्रिंस स्वीट रूम। अब ये रॉयल प्रिंस में आते ही आपको रॉयल वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि रूम्स काफी बड़े हैं, अच्छे इंटीरियर्स के साथ विद दिस बिग रॉयल बाथटब। अब ये लास्ट रूम है, और ये लास्ट रूम मेरा फेवरेट इसीलिए है बिकॉज ये रूम के अंदर है स्विमिंग पूल। अगर आपका बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी स्पेशल डे हो, आपके पार्टनर या आपके फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो दिस रूम इज द बेस्ट। प्रेसिडेंशियल के बाद है महाराजा रूम। अब ये दोनों रूम ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों रूम के अंदर पर्सनल स्विमिंग पूल है, एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो शैंग्रीला का रूम टूर तो हो गया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रूम के रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो रूम के अलावा है बा एरिया, कॉर्पोरेट मीटिंग हॉल, और ये शादी का लॉन। शैंग्रीला वाले ना इतनी सारी फैसिलिटीज देते हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर वन रूम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शैंग्रीला रिसोर्ट का सबसे बड़ा वाटर पार्क, मुझे तो यही से ही दिखाई दे रहा है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई विल क्विकली चेंज इन कम। यहाँ के वाटर पार्क को मुंबई का सबसे बड़ा वाटर पार्क माना जाता है। यहाँ तरह तरह के वाटर स्लाइड्स, वाटर राइड्स, रेन डांस और ये लेजी पूल है। ये वाटर राइड्स में बैठ के ना आपको बहुत मजा आएगा, दिल ना एकदम खुश और रिलैक्स्ड हो जाएगा। इतनी एक्साइटिंग वाटर स्लाइड्स एंजॉय करने के बाद अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो यहाँ स्वादिष्ट बढ़िया सा खाना भी मिल जाएगा। तो दोपहर के खाने में वेज में इतनी सारी आइटम्स हैं, जैसे कि भिंडी, चना मसाला, पनीर, दाल राइस, पूरी, पापड़ और गर्मा गर्म जलेबी। भाई इतना जायकेदार खाना खाने के बाद मैं सीधा चली गई यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क में, और यहाँ 6 से 7 एक्साइटिंग राइड्स है। अम्यूजमेंट पार्क में जाते ही सबसे पहले मैं ये फ्री फॉल में बैठी, देन दिस राइड, इसमें बैठ के ना बचपन की यादें ताजा हो गई, और भी बहुत सारी राइड्स हैं। देन आई एंडेड माई शैंग्रीला रिसोर्ट जर्नी विद दिस ब्यूटिफुल ट्रेन राइड। अगर आप वन डे पिकनिक के लिए यहाँ आना चाहते हो तो विद डिलीशियस वेज फूड इट्स ओनली 1100 रुपीज पर पर्सन, और विदाउट फूड इट्स 700 रुपीज पर पर्सन। आई वुड से चाहे खाना हो, रूम हो या फिर पानी हो, यहाँ पर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शैंग्रीला रिसोर्ट और वाटर पार्क जरूर आइएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मेमोरीज विद योर लव्ड वन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।